हेलो नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल में। बीटीयूपी के छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट, ऑफिशियल नोटिस। इसका असर 100% रिजल्ट पे पड़ेगा और बीटीयूपी ने सभी छात्रों को दिया बड़ा झटका। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, है ना, कॉपियों से निकल रहे 500 के नोट, 100 के नोट। अगर जिन बच्चों ने रुपए रखे हैं कॉपियों में, उनके साथ क्या होगा, बीटीयूपी ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहली बार सब्सक्राइब नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर दें और सभी प्रकार की लिस्ट और टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लें, सभी प्रकार की लिस्ट और पीडीएफ पाने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप लोग कमेंट कर रहे थे सर समर ट्रेनिंग का वीडियो बनाइए। वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, वीडियो को आपको एंड स्क्रीन बना लगा दूंगा या फिर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से आप समर ट्रेनिंग का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देख सकते हो आप लोग, है ना, मूल्यांकन शुरू हो गया आप लोगों का। बाहरी व्यक्ति ना कर पाए केंद्र में अंदर प्रवेश, यानी देखिए कॉपी चेकिंग शुरू हो चुकी है। आप यहां पर लाइव देखते हो बीटीयूपी, कॉपी चेकिंग शुरू हो चुकी है और ऐसे में कोई भी मतलब बाहरी व्यक्ति है वो केंद्र में प्रवेश ना कर पाएगा। देखिए कितनी सख्ती से कॉपी चेक हो रही है, आपको यहां पर दिखता होगा। और यहां पर एक खबर निकल के आ रही, कॉपी से निकल रहे 500 के नोट। देखिए मैं बता दूं दोस्तों आपको, कॉपियों से जो आप लोगों के मतलब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सर मैंने पढ़ाई नहीं की है तो मैं मतलब पैसे वगैरह रखते हैं, तो इस तरीके के कॉपियों से नोट निकलना आप देख सकते हो, बताया जा रहा है। इसके बारे में हम बात करेंगे, वीडियो को स्किप ना करें। देख सकते हो 3 साल में मूल्यांकन का बकाया है 20 लाख, ये भी अपडेट निकल के आ रही है ना। मूल्यांकन में शिक्षक है वो रुचि ही नहीं ले रहे हैं, इसी वजह से मूल्यांकन करने वाले की संख्या अभी अधिक है, ठीक है। यहाँ बता दें आपके लिए, देखिए बता जा रहा है और इसमें बता, अभी तो यहाँ पर बात की जा रही है, आगे अपडेट की बात करेंगे। देखिए 6 दिन में 3 गुना कॉपियों की जांच करना एक चुनौतीपूर्ण बन चुका है। देखिए 40% पर्यवेक्षण भी नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर बात की जा रही है। जो मूल्यांकन कार्य आप लोगों का तेजी से देने का आदेश दे देंगे, प्रयोगात्मक परीक्षाओं में भी शिक्षकगण की ड्यूटी लग जाने के कारण इस पर अफेक्ट पड़ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, बहुत से बच्चे कॉपी में इस तरीके से नोट्स वगैरह लगा देते हैं, तो उनके साथ क्या होगा, बीटीयूपी ने इसका ऑफिशियल नोटिस निकाल दिया है। देख सकते हो कॉपी वगैरह चेकिंग शुरू हो चुकी है, मैंने आपको बता दिया है, बहुत तेजी से बीटीयूपी कॉपी चेकिंग हो रही है, ठीक है। जिन बच्चों ने पैसे रखे हैं उनका क्या होने वाला है, वीडियो एंड तक देखिए, जरा सा भी स्किप ना करें, वो भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, देखिए बीटीयूपी ने हमारे बीटीयूपी बोर्ड से नोटिस आया था कुछ समय पहले, देख सकते हो नोटिस पुराना है, लेकिन इसमें बताया जा रहा है परीक्षा के दौरान छात्र छात्राओं के, देखिए बीटीयूपी से ऑफिशियल नोटिस है और उत्तर पुस्तिकाओं में रुपए कमेंट्स लिखे जाने के श्रेणी में अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो परीक्षा फल है वो रोक दिया जाएगा। देखिए बताया जा रहा है बीटीयूपी से ऑफिशियल नोटिस है, उसमें बताया जा रहा है कि जो परीक्षा आपकी हुई है उसमें मोबाइल नंबर लिख देते हैं बहुत से बच्चे, कमेंट लिखते हैं और पैसे रख देते हैं, ये स्थिति सूचिता को प्रभावित करती है कि ऐसे में पाए जाने पर आप लोगों का रिजल्ट रोक दिया जाएगा, आपको यूएफएम के कैटेगरी में रोक दिया जाएगा। इसके मतलब ये है उक्त प्रकरण परीक्षा के प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसे में छात्र छात्राओं का रिजल्ट रोका जा सकता है। अतः आगामी परीक्षा सम्मिलित होने वाले परीक्षाओं में छात्र छात्राएं कक्षा पर नोटिस के माध्यम से संशोधित किए जाए और आशा है कि संस्था में सभी सूचना पट में इस नोटिस को लगाया जाए। कहने का मतलब ये, अगर आप लोग पैसे वगैरह रखते हो बोर्ड कॉपी वगैरह में बीटीयूपी में, तो ये आपका रिजल्ट में यूएफएम लग सकता है, रिजल्ट रुक सकता है। तो ये देख तो अगली अपडेट है ना, राजकीय पॉलिटेक्निक कैनरा सुल्तानपुर में जो आईआईटी दिल्ली के सहयोग से 5 गांवों की समस्याओं का निदान करेगा राजकीय पॉलिटेक्निक कैनरा। देख सकते हो ये मतलब राजकीय भारत अभियान 2.0 के तहत यह अपडेट निकाली गई है। अब मैं आपको बता दूं, देख सकते हो साइबर सिक्योरिटी समेत 4 नए कोर्स लॉन्च करने की बात कही है हमारे बीटीयूपी बोर्ड ने। देख सकते हो प्राथमिक शिक्षा परिषद की ओर से 2022-23 में पीजी कोर्सों की नई मतलब बात की जा रही है। देखिए उत्तर प्रदेश के समस्त पॉलिटेक्निक संस्थानों में 2022 4 नए कोर्स लॉन्च बात की जा रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी साइबर डेटा मशीन लर्निंग और टेक्नोलॉजी आदि की शोध विकास एवं संस्थानों को चारों ओर से पाठ्यक्रम अंतिम कार्य में लगातार यहाँ पर बात की जा रही है। देख सकते हो इसमें बताया जा रहा है कैंपस परिषद की ओर से नई शिक्षा नीति के तहत नए कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं। साइबर अपराध को बढ़ते मामलों के लिए साइबर सुरक्षा की विज्ञापन की मांग बढ़ रही है, ऐसे में जो छात्र छात्रा दूसरी ओर एकेटीयू भी हमारा इसी की ओर 2-3 मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज से बीते 2-3 सालों के अंदर मतलब ये चीज लगने की बात कही है। आईआईटी के विशेषक ये कोर्स तैयार कर रहे हैं, तो एक नया कोर्स आने वाला है पॉलिटेक्निक में, राजकीय पॉलिटेक्निक में। पूर्व प्राथमिक शिक्षा मंत्री सामने
उठाया था सवाल का मामला, उत्तर प्रदेश के पहले हमारे जो मतलब मंत्री थे पॉलिटेक्निक में हुए समारोह में प्राथमिक शिक्षा मंत्री जितिन प्रसाद श्रीकृत जी ने बताया कि जो समारोह में राजकीय पॉलिटेक्निक में, तो इसमें कई देखिए ये मुद्दा उठाया गया था कि आप लोगों की कार्रवाई इसकी की जाएगी कि आप लोगों के जो नए कोर्स है यहाँ पर लॉन्च करने की बात की गई थी। अब मैं आपके लिए बता दूं, देखिए CCSU में भी कई कोर्स लागू करने की बात की जा रही है। तो कहने का मतलब ये है, ये तो रही आज की अपडेट, ठीक है। कॉपी वगैरह चेक हो रही है, आप टेंशन, मैंने बता दिया कि अगर आप कॉपी में पैसे रखते हो तो आपके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाएगा। ये तो रही आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अब देखिए मैंने बता दिया कॉपी में पैसे वगैरह, तो आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। अब देखिए इसका असर रिजल्ट पर तो पड़ेगा भैया, रिजल्ट पर नहीं पड़ेगा तो कॉपी में पैसे रखोगे वैसे बच्चों का बैग वगैरह भी आ सकता है। ये देखिए यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस मैंने आपको दिखा दिया। रिजल्ट डेट की बात करें तो आप लोगों का रिजल्ट, वही मैं बता रहा हूँ, 15 से लेकर 30 मई के बीच आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 15 मई तक आपका रिजल्ट आ जाए, तो वेट करो, जैसे ही आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के इस वीडियो को ही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।